ब्लॉग, गरीब मलावट ब्लॉग। तोड़ा गया यहाँ पे, मतलब इंसान इतना आपकी कोई चीज नहीं है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होप करता हूँ सारे ठीक हो। तो भाई आज आपको इस ब्लॉग में नई चीज देखने को मिलेगी। मतलब आपको मैं पहले बता ही देता हूँ, रिवील कर देता हूँ उसमें क्या सस्पेंस है। दिल्ली में आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ पे अगर स्कूटी 2 महीने तुमने खड़ी कर दी ना, और 2 महीने स्कूटी को कोई देखभाल नहीं हुई, मतलब तुम वहाँ पे नहीं रह रहे हो, तो उसका कैसा हाल कर देते वो आज मैं आपको दिखाऊंगा। भाई यहाँ पे इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब हमारे गांव में ऐसा होता है कि कहीं पे हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो जिसका घर है या जिसकी गली है, गली में जिसके उन बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो जाती है कि हमें इस गाड़ी का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही थी ना भाई। यहाँ पे आपने कहीं गाड़ी खड़ी कर दी तो भाई वहाँ के लोग के आसपास के लोग ऐसे हो जाएंगे कि इस गाड़ी को तो तोड़ना ही है। लो भाई जाम, जाम भी बिना मतलब का। हमारे ब्लॉग में जाम ना दिखे ऐसा हो सकता है? कौन सी गली में भी घुस जाओ जाम तो मिलना मतलब कन्फर्म है। बेफालतू का जाम लगा रहता है यहाँ। स्कूल की छुट्टी हुई ना, इसके कारण जाम लग रहा था। गाँव में ऐसा नहीं होता, दिल्ली में ऐसा सीन होता है अगर स्कूल की छुट्टी होगी तो जाम लग जाएगा रोडों पे। अरे यार, तो यहाँ पे आए थे भाई अशोक भाई के पास, भाई तो मिले ही नहीं, पता नहीं कहाँ गए हैं। तो भाई जहाँ पे अपना काम था वहाँ पे चलते हैं एक बार। तो ये भाई अपने सानू भाई, और ये कुछ स्कूटी का हाल देख लो भाई, बेरहमी से तोड़ा गया है यहाँ पे। मतलब इंसान इतना आपकी कोई चीज़ नहीं है। यार एक हद तक कैसे कैसे टूट सकती है ऐसे सीट वीट भाई फुल, मतलब ठीक होने की तो इसकी हालत नहीं है अब, ठीक नहीं हो पाएगी भाई। कितने साल रह गए इसको? पता नहीं कौन सा मॉडल है यार ये, मतलब साल कितने रह गए इसे अभी? पता नहीं खत्म होने में। हाँ। पता नहीं भाई मेरे को इतना पता नहीं। चलो फिर उठवा देते हैं, वो क्या कहते हैं उससे कबाड़ी वाले से उसको ले जाते हैं। अरे क्या हाल है तेरे? तो यहाँ पे आ चुके भाई कबाड़ी वाले पे, और भाई मतलब ले ही नहीं रहा कोई। ये वो बोल रहे हैं कि इसकी आरसी लेके आओ, और आरसी उसकी है कोर्ट के अंदर जमा। मतलब कबाड़ी को बेचेंगे तो वो तो काटेगा ना उसको, फिर भी आरसी मांग रहे हैं। इसमें ऐसा होता होगा शायद कि आरसी चाहिए ऐसे, तो तुम कोई भी चोरी की बाइक ला के बेच दो, उनका भी रूल सही है वैसे। तो अभी जा रहे हैं भाई जिम, आज से जिम स्टार्ट होगी अपनी। तो यहाँ पे डोले भाई को लेने आ गए उनके घर पे। आज जिम का भाई पहला दिन था, तो अब 2 दिन तो मिक्स चलेगी, फिर गेम स्टार्ट 2 दिन के बाद। और अपने जिम भाई बाहर से कुछ ऐसी है, तो आज का तो अपना वर्कआउट कंप्लीट हो गया, और अब चलते हैं भाई घर पे। घर पे जीजा और आ रखे हैं, तो मम्मी का फोन आया कि हो गया तो आजा घर पे, आ जाए एक बार। तो 1.5 घंटे वर्कआउट हुआ था आज का, क्योंकि फर्स्ट दिन था भाई, पूरी बॉडी खोलनी जरूरी है। अभी कोई हैवी वर्कआउट नहीं कर रहा मैं, अभी नॉर्मल मिक्स चल रही है। तो भाई ये है ब्लॉग का दूसरा दिन, और जीजा के घर पे आ रखा था किसी काम से। और भाई सुबह सुबह इतनी तगड़ी बारिश हुई है ना, क्या ही बताऊँ, बहुत खतरनाक बारिश हुई है। मेरे को पता ही नहीं था, मैं तो सो रहा था अंदर, बाहर आकर देखा कीचड़ कीचड़ हो रहा। अभी हालत ख़राब हो रही होगी क्योंकि नहाया नहीं मैं। जीजा का फ़ोन आया मेरे पास, वो कहीं काम से गए हुए थे हमारे घर की तरफ, उसका फ़ोन आया कि मेरे को एक बार घर पे छोड़ गया, जीजा को घर पे छोड़ के आया, छोड़ने आया था एक बार। देखो मतलब बारिश होते ही तो कीचड़ कीचड़ हो जाता है, देखो नालियाँ भर जाती है। वाटर क्रॉसिंग आ गई भाई लद्दाख वाली, देख लो फुल लद्दाख की फीलिंग यहाँ ले रहे हैं लौंडे दिल्ली में। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं और पानी भरना स्टार्ट, देख लो भाई सरकारी स्कूल के मजे। बाइक कौन चला रहा है? भाई देखो हाँ, रवि मलावत ब्लॉग, रवि मलावत ब्लॉग, रवि मलावत ब्लॉग।
तो जिम में आ चुके हैं भाई और गाने बज रहे हैं, आवाज नहीं आ रही होगी मेरी, दिखा दूं मैं आपको जिम। जिम से कुछ व्यू तो ऐसा है, व्यू तो देखने लायक नहीं है बाहर, लेकिन भाई जिम बहुत बढ़िया है। ये अपने डोले भाई,